झारखंड में युवा राजद की पहली कार्य समिति गठित हुई है। कार्य समिति में 3 उपाध्यक्ष, 16 महासचिव और 12 सचिवों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 9 जिलों में युवा राजद ने जिलाध्यक्ष की भी घोषणा की है। सत्यानंद भोक्ता के पुत्र को युवा राजद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। को हम संगठन में जगह देके, क्योंकि युवा एक ऐसा संगठन है, किसी भी संगठन का रीढ़ होता है और युवा के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो युवा पे लोगों को बहुत भरोसा है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को भी, और जिस उम्मीद के साथ हमको ये पद दिया गया है युवा का, झारखंड का, हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा जी को, तमाम जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि उनकी उम्मीद पे हम खरे उतरे और उनकी विश्वास को लेकर हम चले और विश्वास में उनको लेकर चलने के बाद हम। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जी जुड़ रहे हैं। जी अजय, झारखंड ने युवा राजद की पहली कार्य समिति गठित हुई है। कार्य समिति में 3 उपाध्यक्ष, 16 महासचिव और 12 सचिवों को शामिल किया गया है, और क्या कुछ मामला है? बिल्कुल सुनाली, आज युवा राजद ने अपनी पहली कार्य समिति की घोषणा की है। आपको जानकारी होगी कि युवा राजद इससे पहले जब तेजस्वी यादव का रांची दौरा हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव ने युवा आरजेडी को होमवर्क उन्होंने दिया था कि जल्द से जल्द प्रदेश कार्य समिति की घोषणा करें और तमाम युवाओं को बूथों तक भेजें। और इस सूची में जो सबसे बड़ा नाम है वो विनोद भोक्ता का है। राज्य के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता के बेटे विनोद भोक्ता को युवा राजद में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। आज जो समिति घोषित हुई है उसमें 3 उपाध्यक्ष हैं, 16 महासचिव हैं, 12 सचिव हैं, 9 जिलाध्यक्ष। और अब से थोड़ी देर पहले रंजन यादव ने इस समिति की घोषणा की है। सर, जो पहली सूची जारी हुई है उसमें क्या ताना बाना आपने देखा है? देखिए, पहली सूची जारी हम उन लोगों का किए हैं जो कि हमको लगा कि ने हमारे विश्वास पे खड़े उतरेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति और सिद्धांत है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सोच है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो सोच है, उसको लेकर गांव तक जाएंगे और एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और हमारे संगठन के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। इसलिए हम उनको छांट के अभी सूची में डाले हैं और हमारे सूची में बहुत सारे नाम है जो कि हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। विचार करने के बाद फिर जैसा होगा फिर हम आगे उनको लेके आएंगे और फिर इसमें जो जैसा रहेगा उसमें हम जगह देंगे। जोड़ घटाव भी होगा? हाँ, जोड़ घटाव अभी जिसमें देखेंगे कि जो और हमारे जो बेहतर है, बेहतर काम कर सकेंगे पार्टी के लिए समय देंगे और जितना मेहनत करेंगे हम उनको उतना सम्मान देंगे और पार्टी में जगह। हमारे साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव विशाल बिसु भी है। इसमें A to Z की पार्टी अब आपकी पार्टी है, क्या समीकरण का ध्यान आप लोगों ने रखा है? बिल्कुल, पूरा समीकरण है। यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग, सभी वर्गों को यहाँ इस पार्टी में आज जो सूची जारी हुई है उसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है 2024 के चुनाव को देखते हुए। और दूसरी सूची जल्द जारी करेंगे, पर रंजन जी हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वो जल्द सूची जारी करके आपको बता देंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम समीकरण का ध्यान रखा गया है। और हमारे साथ गढ़वा के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार जी हैं। सर, ये जो सूची जारी हुई, हालांकि आप मेन स्ट्रीम के लीडर हैं, बावजूद इसके क्या कहना चाहेंगे, रिएक्शन क्या है? नहीं, ये मेन और कोई अलग नहीं है। युवा राजद एक बहुत बड़ा अंग है राष्ट्रीय जनता दल का संगठन को मजबूत करने में, क्योंकि आज जान रहे हैं कि हमारे नेता खुद युवा हैं और युवा को जोड़ने का काम हम लोग करें। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रंजन यादव जी के कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम पूरे राज्य के 2400 जिला में यह काम हो रहा है और लगातार गढ़वा में भी हमारा जो जिला अध्यक्ष भी घोषणा हुआ है, पूर्व में भी रहे हैं वो विनीत कुमार जी, और हम लोग भी वहाँ भी जातीय समीकरण को ध्यान रखते हुए सभी जात सभी संप्रदाय के लोगों को, और राष्ट्रीय जनता दल जो जानते हैं कि पलामू प्रमंडल पूरा राजद का बेल्ट रहा है, खतियानी भूमि है वहाँ, तो हम लोग इसकी तैयारी 24 की तैयारी हम लोग लग गए हैं। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।